हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम योर फ्रेंड संदीप अंतिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लार्वल फॉर्म इन डिफरेंट एनिमल फाइलम। सीएसआर एंड रैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन से एनिमल फाइलम में कौन सी लार्वल फॉर्म होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा एनिमल फाइलम है और उसमें कौन सी लार्वल फॉर्म्स है। एनिमल्स के अंदर दो तरीके की डेवलपमेंट होती है, फर्स्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड सेकंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें क्या होती है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट, जो यंग वंस में डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाती है एम्ब्रियो से देन अडल्ट। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो होते हुए पहले डेवलप होते हैं लार्वल फॉर्म में, देन उसके बाद वे डेवलप होते हैं यंग वंस में एंड देन अडल्ट फॉर्म में। और डायरेक्ट डेवलपमेंट आपकी होती है फिश में, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है आपकी रेप्टाइल्स के अंदर भी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है बर्ड्स के अंदर भी एंड मैमल्स। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है आपकी इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के अंदर होती है आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि उनमें लार्वल फॉर्म होती है। तो आपकी यह है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल और ये है आपके डायरेक्ट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल। कई बार यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो कौन से एनिमल्स में और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कौन से एनिमल्स में होती है। तो चलिए अब हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को देखते हैं, कौन से एनिमल फाइलम में कौन सी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम है आपका पोरीफेरा, और पोरीफेरा में तीन टाइप के लार्वे होते हैं। फर्स्ट एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जो कि साइकोन में प्रेजेंट होता है, एंड देन पेरिकाइमुला लार्वा ऑफ लुकेसोलिनिया, एंड देन आपका रेगन लार्वा जो कि हायर स्पंजेस में प्रेजेंट होता है, एंड नेक्स्ट फाइलम आपका निडेरिया जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो इसमें भी तीन लार्वे होते हैं, फर्स्ट इफायरा लार्वा, सेकंड प्लेनुला लार्वा एंड थर्ड हाइड्रेटुला लार्वा, एंड देन नेक्स्ट फाइलम आपका टीनोफोरा। इसमें सिर्फ एक ही लार्वा प्रेजेंट होता है, वो है आपका सीडीपीड लार्वा। अगर बात करें हम प्लेटी हेलिमेंथिस, तो प्लेटी हेलिमेंथिस में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा लार्वल फॉर्म होती है। अगर बात करें हम टेप वर्म्स की, तो टेप वर्म में दो लार्वल फॉर्म होती है। फर्स्ट लार्वल फॉर्म है ओंकोस्पेरिया, फिर इसको हम हेग्जेंथ लार्वा भी बोलते हैं, और सेकंड लार्वल फॉर्म है सिस्टिसिर्कस या फिर ब्लैडर वर्म लार्वा। तो दो लार्वल फॉर्म है टेप वर्म के अंदर, फर्स्ट ओंकोस्पियर एंड सेकेंड सिस्टिसिर्कस या फिर ब्लैडर वर्म लार्वा। अगर हम बात करें लिवर फ्लूइड की, तो लिवर फ्लूइड के अंदर फाइव लार्वल स्टेज होती है, फर्स्ट मेरासीडियम, सेकंड स्पोरोसिस्ट लार्वा, थर्ड लार्वल स्टेज होती है रेडिया, एंड फोर्थ लार्वल स्टेज होती है सर्केरिया लार्वा, एंड फाइनल एंड इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज होती है मेटा सर्केरिया लार्वा। तो यहाँ पर जो सेकंड लार्वल स्टेज है स्पोरोसिस्ट, एंड थर्ड रेडिया, एंड फोर्थ वन सर्केरिया लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है इंटरमीडिएट होस्ट में, और लिवर फ्लूइड का इंटरमीडिएट होस्ट होता है स्नेल। अगर हम बात करें मेटा सर्केरिया लार्वा की, तो मेटा सर्केरिया लार्वा प्रेजेंट होता है डेफिनेटिव होस्ट में, और लिवर फ्लूइड का डेफिनेटिव होस्ट है कैटल्स यानी कि शीप वगैरह। एंड नेक्स्ट फाइलम है निमेटे हेलमेंथिस, तो निमेटे हेलमेंथिस के अंदर आपका लार्वा है फिलेरिफॉर्म लार्वा ऑफ हुकवॉर्म्स, माइक्रोफ्लेरे लार्वे ऑफ यूचेरिया, जुवेनाइल एंड रेबिटोफॉर्म लार्वा जो कि प्रेजेंट होता है आपका एस्केरिस में, एंड नेक्स्ट फाइलम आपका एनेलिडा, और एनेलिडा में सिर्फ एक ही लार्वा है आपका, वो है ट्रोकोफोरे लार्वा, एंड देन नेक्स्ट फाइलम आपका ऑर्थ्रोपोड्स, एंड ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर आपका फर्स्ट लार्वा है कैटरपिलर लार्वा जो कि प्रेजेंट होता है बटरफ्लाई में, सिल्क में एंड मोथ में, नेक्स्ट है आपका ग्रुब लार्वा जो कि प्रेजेंट होता है बीटल्स में एंड हनी बी में, एंड नेक्स्ट लार्वा आपका मैगोट लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, एंड देन न्यूप्लस लार्वा, मेटा न्यूप्लस लार्वा, सेप्रस लार्वा, प्रोटोजोए लार्वा एंड जोए लार्वा, माइसिस लार्वा, मेगालोप लार्वा, फाइलोसोमा लार्वा एंड एलिमा लार्वा। दीज आर द लार्वे ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो ये सब आपको याद करने, सिर्फ इनके नेम याद रखने हैं आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना है।
नेक्स्ट आपका फाइलम है मोलस्का, एंड मोलस्का में आपका फर्स्ट लार्वा है गोल्चीडियम लार्वा ऑफ यूनियो, एंड देन आपका ट्रोकोफोरे एंड वेलिगर लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपोड्स, देन आपका था एकाइनोडर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा में आपका फर्स्ट लार्वा है ओरिकुलेरिया लार्वा ऑफ होलोथुरिया, एंड देन बीपिनेरिया एंड ब्रैक्योलोरिया लार्वा जो कि आपका स्टारफिश में प्रेजेंट होता है, देन आपका ओपियोप्लेटियस जो कि ब्रिटल स्टार की लार्वल फॉर्म है, देन आपका एकाइनस की लार्वल फॉर्म है एकाइनोप्लेटियस, एंड देन आपका एंटीडोन की लार्वल फॉर्म है डोलियोलेरिया लार्वा, एंड देन फिर आपका हेमिकोर्डेटा, और हेमिकोर्डेटा में आपका एक ही लार्वा होता है वो आपका टोर्नेरिया लार्वा जो कि बेलेनोग्लोसिस में प्रेजेंट होता है, एंड देन आपका नेक्स्ट और लास्ट फाइलम है कोर्डेटा, और कोर्डेटा के अंदर आपका फर्स्ट लार्वा है एम्योसिएटे लार्वा जो कि पेट्रोमाइजन में प्रेजेंट होता है, देन आपका है एस्केडियन टेडपोल जो कि लार्वल फॉर्म है हार्डमेनिया की, एंड देन आपका एक्जोलोटल लार्वा जो कि एम्ब्लिस्टोमा की लार्वल फॉर्म है, एंड देन आपका लास्ट लार्वा है इसमें टेडपोल जो कि लार्वल फॉर्म है फ्रोकी एंड एम्फियोमा की। बस आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जैसे फाइलम मोलस्का तो इसके अंदर कौन से लार्वे है, गोल्चीडियम लार्वा है एंड ट्रोकोफोरे एंड वेलिगर लार्वा है, तो और इससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, एक टेबल में आपको नेम ऑफ फाइलम दे दिए होते हैं एंड सेकेंड टेबल में आपको लार्वल फॉर्म दे रखी होती और फिर आपसे कहा जाता है कि इनको करेक्ट मैच कीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं, और इसका बी सेक्शन में भी एक क्वेश्चन आता है और सी सेक्शन में भी आता है।